आजादी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दो दिन दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा, फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। दो दिन केरल में इक्का दुक्का जगहों पर काफी भारी बारिश का अनुमान, तो कल गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। ओडिशा के किसान अदरक की करे रोपाई, तो झारखंड में अरहर, उड़द, ज्वार और रागी की कर ले बुआई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दो दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। और वहीं दो दिन दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार को केरल में इक्का दुक्का जगहों पर काफी भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। बता दें आपको, दो दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। तो वहीं शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, शुक्रवार को गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं शुक्रवार को झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं बता दें, शनिवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं अगले दो दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ।
देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी दे देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई, वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगहों पर पानी बरसा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरसे और वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिली, तो ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कादुका जगहों पर भारी बरसात देखी गई। और वहीं आपको बता दें गांगी पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, बरसात दर्ज की गई, तो कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में काफी भारी बरसात दर्ज की गई। और इसके साथ ही गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। तटीय और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भारी बरसात दर्ज की गई, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कादुका जगहों पर भारी बरसात हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम बात करेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। साथ ही बता दें आपको कि अधिकतम तापमान जो है सबसे ज्यादा पारा दर्ज किया गया पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 43.1 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ बात करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल की, तो बता दें आपको पश्चिमी राजस्थान में तापमान जो है 5 डिग्री ऊपर रहा सामान्य के मुकाबले। इसके साथ ही हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मथुरापुरा में भी न्यूनतम तापमान जो है अधिकतर जगहों पर 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे कोंकण, गोवा की, तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और वहीं इस बीच देश में सबसे कम तापमान तमिलनाडु के कोडाईकनाल में रहा, यहां पर न्यूनतम तापमान रहा 11.6 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मौसम खबर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें खासतौर पर आपको बताएंगे कि देश के किन हिस्सों में इस समय कौन सी फसल की बुआई हमारे किसान कर सकते हैं और किन फसलों की बुआई और रोपाई के लिए समय पूरा हो चुका है। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो अभी आपने जाना इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन सी फसलों का चुनाव कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए और कौन सी फसलें हैं जिनकी बुआई और रोपाई का कार्य पूरा हो चुका है और आगे आपको प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बुलेटिन में आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे धनिये की खेती के बारे में। धनिये का उपयोग दो तरह से होता है, हरी पत्ती के लिए और साथ ही मसाले के रूप में। और ये जो समय चल रहा है इसकी बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है, लेकिन आपको अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप शुरुआत से लेकर अंत तक सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी देखभाल करेंगे और प्रबंधन कार्य करेंगे। कौन सी हैं वो बातें, आइए जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो जाना आपने धनिये की खेती आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है ये और आपको तमाम प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, तभी आगे चलकर आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाह है लौकी, कद्दू, खीरा, करेला और तरबूज की बुआई का कार्य जारी रखें। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीफ प्याज, बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगा ले किसान। और वहीं यहां के किसान पत्ता गोभी और अगेती फूलगोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं।
वहीं बात करेंगे दिल्ली के आसपास वाले इलाकों की, तो यहाँ पर किसानों को सलाह है मिर्च, बैंगन और अगेती फूलगोभी लगा लें। वहीं यहाँ के किसान खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था भी जरूर कर लें। वहीं दिल्ली और उससे सटे इलाकों में प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य गुजरात के किसानों को सलाह है धान, मिर्च और टमाटर की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही उत्तरी गुजरात में मूंगफली के साथ अरंडी की बुआई भी कर सकते हैं किसान। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में प्याज, बैंगन, मिर्च, टमाटर और फूलगोभी की रोपाई का कार्य कर लें किसान। तो वहीं पूर्वी विदर्भ के किसान धान की रोपाई का कार्य जारी रखें। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में धान के अलावा अरसाली गन्ने की रोपाई भी करते रहें किसान। वहीं मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां पर बासमती धान की रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही यहां कद्दूवर्गीय सब्जियों की रोपाई का काम भी पूरा कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले दो दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको दो दिन उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात की जाए तो शुक्रवार को यहां इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं शुक्रवार को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बता दें आपको दो दिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो वहीं शनिवार को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें दो दिन उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं अनुमान है कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं शुक्रवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले चार दिनों के लिए नौ शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।